अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक नमाज छोड़ने का गुनाह बताते हैं, एक नमाज। एक नमाज तो हमारे लिए कोई बात ही नहीं है ना, साल में कहीं एक नमाज हम छोड़ रहे, एक नमाज तो कोई बात ही नहीं हमारे लिए, यूं ही छोड़ देते हैं एक नमाज। तो मैं समझता हूँ बिना सोचे समझे छोड़ देते हैं हम एक नमाज, कोई फिक्र भी नहीं है कि नमाज थी बोलकर। तो रसूल फरमाते आइए देखिए, फरमाते एक नमाज, अगर असर की नमाज, सिर्फ एक नमाज, अगर कोई शख्स असर की नमाज छोड़ दे, यूं ही अगर एक शख्स सिर्फ असर की नमाज छोड़ दे तो उसके लिए ऐसा खसारा और घाटा है जैसे कि उसके तमाम माल और दौलत लुट गया और सारे रिश्तेदार मर गए। मतलब अगर एक शख्स को नमाज नहीं पढ़ने का अगर बता दिया जाए क्या गुनाह है सिर्फ एक असर की नमाज, तो इतना अफसोस तारी हो जाएगा जैसे कि सारा माल और दौलत लुट गया और सारे लोग मर गए, पूरे रिश्तेदार मर गए उसके। अभी माल और दौलत लुट गया, रिश्तेदार मर गए, बात समझ में नहीं आती है, लेकिन अंदाज लगाइए एक बच्चे को आपने 10 रुपए दे घर से भेजा और गिरा कर आया और घर पे आकर अब्बा पैसे नहीं, गिर गए, सामान नहीं लाया बेटे, क्या बात है पैसे गिर गए, कहाँ गिराए, कहाँ से गए थे, कौन से रास्ते से गए थे, चलो मेरे साथ, इसके पास पैसे थे आपने देखा 10 रुपये, जनाब आपके पास आया था कुछ दूसरा तो खरीद के नहीं ले गया, तूने खा तो नहीं लिया, तूने कुछ और तो नहीं खरीदा, 10 रुपये के लिए पूछताछ चल रही। रसूल तमाम दौलत लुट गई, ऐसी मिसाल है जो नमाज ना पड़े एक सिर, तमाम खसारा। अंदाज लगाई किसी घर में तिजोरी हो और सब उसकी जमा पूंजी उसमें भरी हो और अचानक चोरी हो जाए, क्या अफसोस उस पर तारी होगा, उतना अफसोस तारी होगा सिर्फ एक नमाज छोड़ने वाले पर, अगर उसको समझ दे दी जाए इस नमाज को छोड़ने का गुनाह क्या है। और तो और तमाम रिश्तेदार मर गए इसी उसकी मिसाल, सिर्फ एक माँ, एक भाई, एक बहन, एक बीवी, एक बच्चे के इंतकाल पर हम कहीं के नहीं रहते हैं, हमारे होश हवास चले जाते हैं, हम अपने आप को जीना पसंद नहीं करते बल्कि हम भी मौत को तलब करते हैं। तो अंदाज लगा इसकी खबर मिले तमाम रिश्तेदार मर गए आपके, क्या खौफ और क्या गम और किस तरह से रंज उस पर तारी हो जाए, सब मर गए एक साथ। तो इतना रंज और गम सिर्फ एक नमाज छोड़ने पर है, अफसोस कि हमने आज तक कितनी नमाजें छोड़ दी और जाया कर दी, 20, 30, 40, 50 और 60 साल की उम्र हो गई आज तक नमाज नसीब नहीं हुई हमको पढ़ना, पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं पढ़े तो कोई मसला नहीं, ये हालत है हमारी। एक नमाज सिर्फ ज़ाहिर असर की तो ये हालत होने वाली है, अंदाजा लगा इतने नमाजों का अपने रब के सामने क्या हिसाब वो किताब देंगे हम। سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا